कल्पतरुण्डगलितं फलं शुकमुखात् अमृतं जरसं हम चर्चा कर रहे थे कि वेद रूपी एक वृक्ष का जो फल है वो भागवत है पद्म पुराण के अनुसार। अब भागवत जी के अनुसार भी विद्यार्थी ने जो लिखा है पर वृक्ष का वो कौन सा फल है जो खाने के योग्य है और हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए उसकी कोई पहचान है नहीं चाहिए। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना एक अनुभव समझाया है कि वृक्ष पर जो फल है उन फलों में जो तोते का खाया हुआ फल है वो स्वभावतः मीठा ही होता है, तो ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी फल को पक्षी ने खाया है, तोते ने खाया है, तो समझ लो वो मीठा है। तो हमारी भागवत जी में भी एक तोते ने मुख लगाया है, शुक मुखा अमृत अग्रव संयुतम, वो है भगवान शुकदेव, और भगवान शुकदेव के द्वारा मुख लग जाने से ये फल मीठा हो। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि तोते के खा लेने से फल मीठा हो जाता है या तोते को पता रहता है कि कौन सा फल मीठा है। अच्छा, कोई कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फल खाया तो खाया हुआ लेते, जो झूठा फल हो पक्षी का खाया हो, पर उसको खा करके देखते वो तब भी मीठा नहीं निकलता। पता है क्यों? क्योंकि अकेले तोते फल थोड़े ही ना खाते, कौवे भी तो फल खाते और पक्षी भी तो फल खाते, सबके खाने से मीठा नहीं होता, तोते का जो खाया हुआ है। तो मेरे विचार से तो तोते में भगवान ने ऐसा कोई प्रकृति ने गुण दिया। सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम है जिसका नाम सम्याप्राश है। ये सम्याप्राश भगवान वेद व्यास की कुटिया का नाम है। वहां वेद व्यास भगवान विराजते, नारद बाबा पहुंचे और नारद बाबा ने जाकर के वेद व्यास जी का दर्शन किया तो बड़े दुखी थे वेद व्यास जी। तो नारद जी ने जाकर के पूछा कि आपको क्या हुआ, देखने में बड़े उदास लगते हो, दुखी लगते हो, कुछ खो गया है, कोई कमी आ गई है? क्योंकि आप जैसे जो महात्मा जन है वो तो सदा समाज का कल्याण करने के लिए लगे रहते हैं और ऐसे कर्म करते हैं कि स्वयं के जीवन में तो कोई दुख होता नहीं है, आपके मन में क्या दुख है? वेद व्यास जी ने कहा घर में सब कुशल मंगल है, घर में कोई चिंता नहीं है, दुख तो थोड़ा सा ये समाज वालों के लिए है। समाज जब जब दुखी होता है, समाज में कुछ चिंता होती है, समाज जब जब कष्ट पाता है तो महात्मा जन दुखी होते हैं। वेद व्यास जी ने कहा मेरे अपने जीवन में कोई चिंता नहीं पर मैं इनके दुख से दुखी हूं। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरों के दुख में बहुत दुखी है। नारद जी ने कहा ऐसा कौन सा दुख आ गया है, हमें भी बताओ, अगर आवश्यकता पड़ी हम भी कुछ प्रयास करें। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना की, शिव पुराण लिखा, ब्रह्मांड पुराण लिखा, भविष्य पुराण लिखा, 17 पुराणों की मैंने रचना की। क्यों की? क्योंकि ये जो समाज है ना, समाज में तरह तरह की बहुत सारी विपदाएं हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और मुझे लगा कि कोई ना कोई धर्म ग्रंथ में वो प्रभाव है जो इनकी बुराइयों का विनाश कर सकता। आप घर में कैसे हो कोई बात नहीं, मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने कथा में आना प्रारंभ कर दिया है तो कथा आपके जीवन को बदल दी, ये कथा का प्रभाव है, आप कथा में आना आरंभ करो। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन में दर्शन की है कि आजकल जो हमारे घर परिवारों में बहुत सारी एक बड़ी कॉमन सी समस्याएं आ रही है ना, माता पिता को अपने बच्चों से है कि बेटा कहना नहीं मानता और बिगड़ गया है, गलत मार्ग पर चल गया है। मैं कहता हूँ एक बार अपने बच्चे को बचपन से आदत डलवा दो कि ये कथा में जाया करे, फिर वो बड़ा हो करके तुम्हारी सेवा न करे तो मुझे आकर के कहना, फिर आकर के शिकायत। क्योंकि व्यक्ति का जीवन बनता है संस्कारों से और संस्कार बनते हैं संघ से, और संघ भागवत से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, कथा से अच्छा कोई संघ नहीं। यहां लेकर क्या चल रहा था बीच में, कहां आप हमको बुला दिए, हम लोग भी रसास्वादन कर रहे थे इस अमृतवाणी का।
लेकिन यही बीमारी है, नेताजी जहां मंच पे जाते हैं लोग उनको बोलने के लिए बोल देते हैं। मैं क्षमा प्रार्थना हूँ, दृष्टा है मेरी आपके श्री मुख से जो वाणी निकल रही है, और खास करके अभी मैं भी सुन रहा था, और भगवत के जो अभी संयोग से मैं जब आया तो चार श्लोक के विषय में जानकारी मिली, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माता बहन उपस्थित है, भाई उपस्थित है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आयोजक गण को मैं अपने उस हृदय से उनको आभार व्यक्त करूंगा। आपने आपका अभिनंदन के योग है, आपने इस अमृत कथा का यह आयोजन किया, और स्वामी जी के श्रीमुख से, स्वामी जी का भी बोकारो की धरती पर, इस कोयलांचल की धरती पर, इस पातांचल की धरती पर, झारखंड की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ आकर के हम सबका मान बढ़ाया, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज के समय में हम देख रहे हैं कदाचार, सबसे बड़ी सार की बात तो कि जिनके पास कम समय होता है ना वो सच में बढ़िया चीज ही सुना करके जाया करते। हमारे पास तो 4 घंटे, तो 4 घंटे में सब कुछ सुना देते हैं ना, इधर की उधर की, पर जिनके पास कम समय होता है वो सोचते हैं रोटी तो खाए बैठे हैं, इनको थोड़ा सा मुखवास करा करके जाओ बस। इसलिए ये लोग